मध्य प्रदेश आरएनआई डबल ट्री हिल्टन लंदन में चल रहे इंडो यूके लीडरशिप समिट 2024 में विभिन्न देशों से आए अपने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विशिष्ट अतिथियों के समक्ष अपने विचार रखे। इस दौरान पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अपने उद्बोधन में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा देश व क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार साझा किए हैं। Occasion, summit, and what a hospitality you have given me. I am really indebted, sir. And I am really grateful to the whole team who has organized this wonderful program. First, I want to strengthen diplomatic ties and promote global cooperation on issues such as climate change and peacekeeping. Through initiatives like Make in India, Modi ji has encouraged both domestic and international companies to invest in India, driving industrial growth, creating jobs, and making India a global manufacturing hub. Additionally, his Digital India initiative has expanded internet access. इस दौरान कार्यक्रम के चेयरमैन प्रोफेसर दिवाकर सुकुल, ब्रिटेन के सांसद नवेंदु मिश्रा, पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य विशिष्ट जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।